नेक्स्ट बेटे हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा बीड्स। बीड्स क्या होती हैं एंड व्हाट डू वी मीन बाय बेटा अदरवाइज बीड फॉर्मेशन। बेटा बच्चों जब आपके पास टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, इस बार अपोजिट नहीं, जब आप स्टैंडिंग वेव्स बना रहे थे तब आपने कहा था कि इंसिडेंट वेव इधर आ रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव उधर अपोजिट जा रहा है, यहां पे नहीं। जब भी आपने बीड्स की फॉर्मेशन की बात करनी है, दोनों वेव्स आपकी जो है एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज नियरली इक्वल होनी चाहिए, उनमें फर्क 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर दो वेव्स नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज की सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेंगी तो उनका एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट वो बेटे कभी मैक्सिमम हो जाएगा कभी मिनिमम हो जाएगा, मतलब कि कभी राइज कर जाएगा कभी फॉल कर जाएगा रेगुलरली। दैट रेगुलर राइज और फॉल इन द एम्पलीट्यूड और इन द इंटेंसिटी दैट इज कॉल्ड बेटे बीट फॉर्मेशन। फिर से बेटे ध्यान दीजिएगा, तो बीट जो है बेटा इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना, बीट फॉर्मेशन जो है बेटा इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ रेगुलर राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बेटा वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज ट्रेवलिंग अलोंग द सेम लाइन, ट्रेवलिंग अलोंग द सेम लाइन सो इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ रेगुलर राइज और फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज ट्रेवलिंग अलोंग द सेम लाइन आफ्टर देयर सुपरपोजिशन। सो डियर चिल्ड्रन, इस केस में आपकी जो इमेजिन कर लीजिए ये लाइन है जिस लाइन की हम बात कर रहे थे कि जिसके अलोंग आपकी दोनों जो साउंड वेव्स हैं ये ट्रेवल कर रही हैं। एक आपका जो साउंड वेव है इट इज इमेजिन कर लीजिए कि इस तरीके से इस फ्रीक्वेंसी का है, दिस वे, आपको समझाने के लिए ही कर रहा हूं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत है नहीं है। और दूसरा जो है बेटा इमेजिन कर लीजिए इसका एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा फर्क है, फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम है और ये दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, स्लाइट डिफरेंस में भी देयर, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका इसी लाइन के अलोंग बेटे जो है ये कुछ इस तरीके से बेटे जो रेगुलर राइज एंड फॉल जो है इट विल बी फॉर्म इन दिस वे, और ये जो इसके बीच में आपकी जो इंडिविजुअल वेव्स हैं इनके मिडल में है, ये एक राइज ये सेकेंड राइज ये थर्ड राइज फोर्थ राइज इसके बीच में आपकी ये दोनों की रिजल्टेंट इंटेंसिटीज बेटे फॉल भी कर रही है। अब ये सिर्फ एक आपके पास बेटे समझने के लिए है, अदरवाइज अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस की बात करें तो आपने ऑलरेडी वाई इज इक्वल टू ए साइन 2π/λ वी टी माइनस एक्स, ये आपका इक्वेशन है बेटा फॉर द लेफ्ट टू राइट गोइंग वेव। अगर मैं इसको लेमडा को बेटे इसके अंदर एडजस्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट कर देता हूँ,
तो ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट करने पे आई विल बी हैविंग वाई टू बी इक्वल टू ए साइन टू पाई लैम्डा को बेटे इसके एंगल के साथ एडजस्ट करेंगे, इट विल बी वी बाई लैम्डा इन टू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा कर लेंगे बेटा। जरा चेक करके मुझे बताइएगा वी बाई लैम्डा का उत्तर किसके बराबर होना चाहिए आपका, वी बाई लैम्डा आपने कल किया था ना, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, तो v बाई लेमडा बच्चों फिर फ्रीक्वेंसी हो गया ना। आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू a साइन टू पाई न्यू इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, अब हम इस इक्वेशन को बेटे एज द स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करने वाले हैं फॉर द केस ऑफ अवर b फॉर्मेशन। हमने ऐसा किया क्यों है, जरूरत क्या पड़ी है इसके साथ बेटे डील करना, थोड़ा सा बेटे हमें आसान हो जाएगा तो उससे फिर बेटे हमारा इस मैथमेटिकल जो हमारा जो है मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है इसको टैकल करना थोड़ा सा आसान। टोटल 25। हाँ जी, सो डियर चिल्ड्रन इमेजिन कर लीजिए कि ये आपका एक वेव है और इसको मैंने रीराइट कर दिया, वाई वन इज इक्वल टू ए साइन टू पाई न्यू वन इंटू टी माइनस एक्स बाई लेमडा, लेमडा वन भी कह सकते हो आप। सेकेंडली दिस इज इक्वल टू ए साइन टू पाई न्यू टू इंटू टी माइनस एक्स बाई लेमडा। अब इमेजिन कर लीजिए कि दोनों वेव्स आपकी जो है बेटा, ये दोनों वेव्स बेटे एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, ये वाला बेटे रब कर दूं इधर वाला पार्ट, ये आपकी दोनों वेव्स बेटे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो सुपर इंपोज कर रही है। इमेजिन करिएगा दैट, लेट मी मेक स्पेस फॉर दिस बेटा, लेट द टू वेव्स सुपर इंपोज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है यहां पे एक्स को जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते बेटे हम, तो आपकी पहली वेव बच्चों बन गई दिस इज इक्वल टू ए साइन टू पाई न्यू वन इंटू टी, और बेटे दूसरी बन गई जी ए साइन टू पाई न्यू टू इंटू टी। बेटा चेक करिए बेटे इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यहां तक ये दो आपकी सेम डायरेक्शन में सेम लाइन के लॉन्ग ट्रेवल करने वाली वेव्स हैं। हमने ये कहा था कि न्यू वन और न्यू टू नियरली इक्वल होना चाहिए, इसका रीजन क्या है बेटा, अगर आपका न्यू वन न्यू टू के नियरली इक्वल नहीं होगा, ज्यादा फर्क होगा फ्रीक्वेंसीज में, तो आप जानते हैं टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, अगर ये इनके बीच में फर्क 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो गया, मान लो पहला वेव आपका जो है ये 500 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, दूसरे की 520 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज का फर्क हो गया, इनके बीच में टाइम पीरियड का फर्क 1/20 हो जाएगा, हमारा परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना होता है बेटा 1/10 ऑफ ए सेकंड है ना, ये उससे कम हो गया, हमारा माइंड फिर बेटे जो है बीट्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसीज जो है ये बेटे 10 या 10 से कम फर्क होना चाहिए, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, ज्यादा वाइड फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब आपने इनको सुपर इंपोज करवा दिया, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 कर दीजिए, y दिस इज इक्वल टू a साइन 2 पाई न्यू 1 इंटू t प्लस a साइन 2 पाई न्यू टू इंटू टी। बेटे ये चीज आपके पास जो है ये बन जाती है, कल आपने किया था साइन सी प्लस साइन डी इज टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यही किया था ना, चेक करिएगा कॉस सी, बट चेक करना बेटे एक बार, यही किया था आपने इसमें ये पूरा आपका बेटा सी ये पूरा डी, एक मिनट लगाइए
और बताइए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास क्या आ जाना चाहिए बेटे। ए को कॉमन ले सकते हो आप यहाँ पे, ये जो आपके पास ए है ना, इट कैन बी टेकन कॉमन, इट विल बी साइन टू पाई न्यू वन इन टू टी प्लस साइन टू पाई न्यू टू इन टू टी बेटे, राइट जी। देखिएगा करके बेटे व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी बेटा। दोनों तरफ साइन लिख दिया मैंने, ये कॉस आएगा, ये साइन ही है, इक्वेशन रिजल्टेंट में आएगा। देखिए बेटे सीडी फार्मूला लगा के देखिए व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी। ये सी ये डी, तो सी प्लस डी करोगे तो साइन के साथ न्यू वन प्लस न्यू टू वाली टर्म आ जाएगी, कॉस के साथ न्यू वन माइनस न्यू टू वाली टर्म आ जाएगी, तो यू विल गेट दैट वाई इज इक्वल टू टू ए, राइट बेटे। और साइन ऑफ टू पाई न्यू वन प्लस न्यू टू इन टू टी डिवाइडेड बाई टू, और बेटे इसके साथ कोसाइन वाली टर्म आपको ऐसे मिलेगी कॉस ऑफ टू पाई न्यू वन माइनस न्यू टू इन टू टी बाई टू। चेक करिएगा डियर ऑल यू आर गेटिंग दिस और नॉट बेटा। अंजलि इश्नूर जपनप्रीत राघव रमन, हां जी बेटे चेक कर लीजिएगा एक बार। गुड, ये टू आप एडजस्ट कर सकते हो ऐसे दिस वे बेटा, है ना। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास आ जाएगा टू ए साइन ऑफ पाई न्यू वन प्लस न्यू टू इंटू कॉस ऑफ पाई न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी। इट कैन बी रीरिटन इन दिस मैनर टू ए कॉस पाई न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी साइन पाई न्यू वन प्लस न्यू टू इंटू टी बेटा। चेक करिएगा कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बेटे इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये वाली चीज जो है टू ए कॉस पाई न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी, इसको मैं ए डैश लिख देता हूं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेव का। सो लेट इट बी ए डैश इंटू साइन ऑफ पाई न्यू वन प्लस न्यू टू इंटू टी, वेयर ए डैश जो है दिस इज इक्वल टू टू ए कॉस पाई न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी। चेक करिए डियर चिल्ड्रन इज इट देयर और नॉट बेटा। हाँ जी पुत्र जी समझ में आ गई बात यहां तक। अब बेटे देखो हमने कहा है कि हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है रेगुलरली राइज या फॉल कर जानी चाहिए। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी डायरेक्टली स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट होती है। आपने कहीं लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा दैट इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्केयर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। इसका मतलब है आपकी इंटेंसिटी जो है ये तब मैक्सिमम होगी अगर आपका ये एम्पलीट्यूड जो है ए डैश ये मैक्सिमम हो बेटा, अदरवाइज तो ये मैक्सिमम हो नहीं सकती बेटा। सो इंटेंसिटी आई जो है इट विल बी मैक्सिमम इफ ए डैश जो है इट इज विद ए मैक्सिमम। ए डैश आपका बेटे मैक्सिमम कब होगा, वी कैन से दैट ए डैश will be maximum if आपका जो है ये 2a cos pi new 1 minus new 2 into t अगर ये maximum हो जाए बेटा तभी आपका maximum हो पाएगा ना बेटे ये। और ये इसकी maximum magnitude wise value plus minus 1 नहीं होती है, cos of angle theta और बीच वाली तो वैल्यू हम लेते ही नहीं है बेटा। और ये कब होगा,
जब आपका ये कॉस ऑफ एन पाई के बराबर हो या जीरो हो या 180 या आपका मल्टीपल ऑफ इस तरीके से हो जाए, इट विल मीन दैट आप इस एंगल को डियर चिल्ड्रन इस एंगल के साथ कंपेयर कर दीजिए, आपके पास कंडीशन आ जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए. सो वी विल से दैट पाई, लेट मी रीड राइट बेटा, इधर लिख देता हूं फिर आपका थोड़ा और ज्यादा इलेबोरेट हो जाएगा. सो मैक्सिमा के लिए हम बेटे बात कर रहे हैं कि मैक्सिमा कब बनेगा आपका. वी विल से दैट यूर पाई न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी, दिस इज इक्वल टू एन इंटू पाई, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड. और आपका बच्चों ये देखिए t इज इक्वल टू एन अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू, ये टाइम आ गया जिस टाइम पर आपके इंटेंसिटी के मैक्सिमम्स बन रहे हैं. आपकी इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट इन टाइम्स पर मैक्सिमम हो रही है. इन अदर वर्ड्स बेटे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट टाइम्स, कौन कौन से टाइम्स हैं पुत्र, जब मैं इसको एम को वन पुट कर दूंगा इट विल बी वन बाई न्यू वन माइनस न्यू टू, फिर मैं एन को टू पुट कर दूंगा टू बाई न्यू वन माइनस न्यू टू, फिर बेटे मैं थ्री पुट कर दूंगा थ्री बाई न्यू वन माइनस न्यू टू, सो ऑन. आप जैसे मर्जी पुट करते चले जाइए और आपका इन टाइम्स पर जो इंटेंसिटी है बेटा ये मैक्सिमम हो जाता है. और अब आप बेटे दो कंजेक्टिव मैक्सिमास के बीच में अगर फर्क निकाल लोगे, वो आपको टाइम पीरियड ऑफ द इंटेंसिटी वो दे देगा. इंडिविजुअल रेव्स की तो आपने निकाली हुई है, सो यू कैन से दैट बेटे आपका जो टाइम पीरियड ऑफ द बीट है, या बीट पीरियड भी कह सकते हो आप, आपका बीट पीरियड बच्चों जो हुआ, लेट अस फोकस वंस अगेन, बीट पीरियड, बीट्स का कौन सा टाइम पीरियड है बनने का, आप किसी भी दो कंजेक्टिव टाइम्स का फर्क ले लीजिए इस तरफ जो है, तो आप कोई भी चूज कर लो. मैं ये चूज कर लेता हूं थ्री इंटू न्यू वन माइनस न्यू टू माइनस टू अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू, एंड इट विल बी वन अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू. बेटा ये बीट पीरियड आ गया जी. और डियर चिल्ड्रन बीट फ्रीक्वेंसी फिर कितना हो गया, बीट फ्रीक्वेंसी दिस इज न्यू, इट विल बी वन अपॉन बीट पीरियड, उल्टा कर दीजिए इसका, इट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस. सो आपकी बीट की फ्रीक्वेंसी ये बेटे बन गई. आपने जब मैंने बेटे बिगनिंग में ग्राफ बनाया था, बिल्कुल बिगनिंग में, मैं एक बार बेटे रीड्रॉ करके आपको दोबारा बताता हूँ. पहले ये बताइए यहाँ तक क्लियर है सारा, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं. मैं यहां पर बेटे आपको दोबारा बना के बताता हूँ. देखो पुत्र, ये आपके पास था लाइन जिसके अलोंग आपकी दो इंडिविजुअल वेव्स आ रही थी. ये आपका एक वेव था पुत्र, और बेटा ये इमेजिन कर लीजिए कि लेट इट बी द फर्स्ट वेव दिस वे, और सेकंड वेव बेटे मान लो स्लाइटली मैं फर्क डाल देता हूं, थोड़ा सा फर्क मैंने डाल ही दिया, चलिए 10 हर्ट्ज से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस बेटे, ट्रेवल एक तरफ ही कर रही है. अब देखो इसका ये पहली वेव है आपका, इसका पीरियड अलग है, ठीक है, इसका दूसरी का पीरियड अलग है, इनकी फ्रीक्वेंसीज में भी थोड़ा बहुत फर्क है. अब जो रिजल्टेंट आपके पास बन गया, मैं अलग कलर के चौक से बना देता हूं ये. अच्छा देखो, इनके बीच में 10 हर्ट से कम का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमने इमेजिन किया है कि कम होना चाहिए. मान लीजिए 5 हर्ट की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है न्यू वन माइनस न्यू टू करके, मतलब एक 285 का है दूसरा 280 का है, तो दैट विल इंडिकेट कि सिर्फ ये आपके पास 5 हर्ट्ज की इसकी बन गई फ्रीक्वेंसी ये. तो यू कैन वेल इमेजिन कि ये फ्रीक्वेंसी इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल काफी ज्यादा कम है. क्यों कम है, क्योंकि ये इनके फर्क के बराबर है, डिफरेंस के बराबर है, राइट बेटा. ये भी थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है देखने में, अदरवाइज एक राइज यहाँ पे है, एक यहाँ पे आएगा, एक और आगे जाके आएगा,
तो इंडिविजुअल वेव्स की फ्रीक्वेंसीज के फर्क के बराबर होगा, राइट बेटा? वैभव, मिताली, गुरसिमरन, अदिति, वंश, रमन, राघव, जपनप्रीत, इश्नूर एंड अंजलि, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए बेटा। ओके नाइस बेटे, गुड। इसके बाद बेटे हम इंटेंसिटी के मिनिमा की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी आपकी मिनिमम कब होगी, फॉल ऑफ द इंटेंसिटी के लिए सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेट अस फोकस अपॉन दैट। सो वी कैन से दैट बेटा इंटेंसिटी आई, सेकंड केस हो गया हमारा बेटा, आई विल बी मिनिमम इफ एम्पलीट्यूड आपके उसका मिनिमम होगा बेटे, रिजल्टेंट वेव का आपने जो बीट बनाना है उसके लिए आई इंटेंसिटी विल बी मिनिमम इफ ए डैश इज मिनिमम। ए डैश बच्चों हमारा कितना था, 2 ए कॉस पाई न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी, यही था बेटे, चेक करना जरा, ये मिनिमम हो जाना चाहिए आपका, यही था ना बेटा। और ये बेटे मिनिमम कब होगा, जब आपका ये जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो कब होता है, व्हेन इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। एन को आप जीरो पुट कर दोगे तो कॉस 90 विल बी जीरो, अगर वन पुट कर दोगे तो मल्टीपल ऑफ 90 आपके पास मिलते चले जाएंगे। तो आप इस एंगल को और इस एंगल को बच्चों कंपेयर कर दीजिए, पाई न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये बेटे पाई आपका कट जाएगा, आपको सारे ही मिनिमास कहां कहां बन रहे हैं वो टाइम के लिए कलेक्टिव इक्वेशन मिल गया। इट इज 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी, चेक करिएगा, ये आपको इंटू टी नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका। सो ये आपके पास वो सारे इंस्टेंट्स ऑफ टाइम हैं जिन टाइम्स पर आपकी बीट की जो है इंटेंसिटी वो मिनिमम पड़ रही है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन को जीरो पुट कर दीजिए, जब आपका टाइम जो है ये वन अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू के बराबर है, या आपका जो, अच्छा टू रह गया ना हमारा, ये टू, फिर आपके पास जो है आपको ये निकालना था, यहां पे आना है ना बेटे, इसको मैं टू को यहां पे लिख देता हूं। फिर आपने एन को बेटे वन पुट कर दिया, टू इंटू वन इज टू प्लस वन थ्री आ गया जी, थ्री टू न्यू वन माइनस न्यू टू, फिर आपने बेटे एन को टू पुट कर दिया, इट विल बी फाइव टू न्यू वन माइनस न्यू टू। तो बेटे ये सारे इंस्टेंट्स ऑफ टाइम है जिन पर आपको मिनिमा मिल रहा है, इंटेंसिटी मिनिमम मिल रही है। अब आप यहां से बीट पीरियड फिर से निकाल सकते हो, है ना बेटा, तो बीट पीरियड आपके पास डियर चिल्ड्रन बन गया जी, किसी भी दो आप टाइम्स का इंस्टेंट्स का फर्क ले लीजिए, इट विल बी इक्वल टू इनका ही कर लो, ये आपके पास आ जाएगा फाइव अपॉन टू न्यू वन माइनस न्यू टू माइनस थ्री अपॉन टू न्यू वन माइनस न्यू टू, जरा चेक करिएगा डियर, यही आ रहा है। और बी पीरियड फिर बन गया जी, इसको आपने क्या किया, टू न्यू वन माइनस न्यू टू, दिस इज फाइव माइनस थ्री बना है, और बीट पीरियड बन गया जी टू अपॉन टू न्यू वन माइनस न्यू टू, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड, दिस इज वन बाई न्यू वन माइनस न्यू टू। सो बीट पीरियड आपका फिर बेटे सेम ही आ गया जो आपने पहले निकाला था, और आप यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो बेटा, दोनों केसेस में बीट फ्रीक्वेंसी अगेन आपका सेम आएगा, इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, आपको आपका बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। सो लेट अस डू दैट आल्सो बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी फिर आपके पास आ गया बेटा न्यू, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड जी, और इट विल बी इक्वल टू बेटे न्यू वन माइनस न्यू टू बेटा।
तो बेटे ये अगेन आप चेक कर सकते हो, आपका बीट फ्रीक्वेंसी जैसे आपने मैक्सिमम इंटेंसिटी के केस से निकाला था वही यहां पे भी आ रहा है। सो इन दिस वे आपने बीट फॉर्मेशन को बेटे समझना है। सो डियर, एक बार मैं सारा सम अप करता हूं, हमने किया क्या है। आपके पास दो साउंड वेव्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर, 10 हर्ट्ज से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, सेम लाइन में ट्रेवल कर रही हैं, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हैं। अगर वो ट्रेवल करते करते सुपर इम्पोज कर जाती हैं तो दोनों का जो रिजल्टेंट बन गया उसको बोल देते हैं बीट। बीट को कहते किसको, और सुनिए आगे थोड़ा सा। जब दोनों ट्रेवल करेंगी तो दोनों के सुपर इम्पोजिशन की वजह से जाते जाते एक डायरेक्शन में कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड की बन जाएगी, कहीं पर मिनिमम बन जाएगी। दोनों की सुपर इम्पोजिशन के बाद वो जो रेगुलर राइज एंड फॉल है इंटेंसिटीज में, दैट इज कॉल्ड बेटा बीट। और आपको बेटा बीट फ्रीक्वेंसी, बीट पीरियड निकालने के लिए अपनी बेसिक इक्वेशन से ही स्टार्ट करना है, कोई इसमें अलग बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये कह देते हैं कि वो ओरिजिन पे सुपर इम्पोज कर रही है। आपको बुक पे ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, जो आप बुक्स पढ़ते हो प्रोमिनेंटली उन पे शायद आपको नहीं मिलेगा। तो एक्स को अगर आप जीरो कर दोगे तो इक्वेशंस के साथ डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप एक्स को जीरो नहीं पुट करते, गलत नहीं होगा, फिर आपकी टर्म्स बड़ी 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 हो जाएंगी और आपको मैथमेटिकल टर्म्स को हैंडल करना वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा जो हमने काम करना था वो पीछे रह जाएगा, हम उस मैथमेटिक्स में उलझ के रह जाएंगे बेटा। राइट बेटे, सो आपने ओरिजिन पर ये कह देना कि वो सुपर इम्पोज कर रही है। उसके बाद फिर आप उनको बेटे जो है एम्पलीट्यूड को एक बार मैक्सिमम कर दो, एक बार मिनिमम कर दो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। आपको बीट पीरियड और बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है डायरेक्टली, जैसे हमने की है दोनों केसेस में। ये आपको बेटे टिप्स पे आना चाहिए बेटा। राइट बेटा, अंजलि, इश्नूर, जपनप्रीत, राघव, रमन, वंश, अदिति, गुरसिमरन, मिताली, वैभव, अनेजा, मिताली, मिताली, ओके बेटा मिताली, ठीक है, अदिति, राइट, सारे बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, इट मींस कि थम्स अप ही होंगे फिर, है ना। सो आइए आगे चलें बेटा। अब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी थोड़ी बात करनी पड़ेगी, बिकॉज उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है आपके सिलेबस में बीट फॉर्मेशन। तो छोटी छोटी इसकी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उनकी बेटे एप्लीकेशंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप डियर चिल्ड्रन हेडिंग लिख लिए, लिख लीजिए बेटा एप्लीकेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बीट फॉर्मेशन। बेटा एप्लीकेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बीट, कंसेप्ट ऑफ बीट से लिखो आप, बीट फॉर्मेशन तो चलो हो ही गया आपका। बेटे मैं पूरे करवा नहीं पाऊंगा आपको आज, वैसे समझा देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में बेटा रेनी सीजन आता है, कई बार फ्लड्स आ जाते हैं और जो वेल्स हैं, वेल्स जो हैं कई बार वो पानी से भर जाते हैं, और धीरे 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 जब उनमें पानी का लेवल कम होता है वहां पर हार्मफुल गैसेस एंट्रैप हो जाती हैं। और वो जो हार्मफुल गैसेस हैं, अभी तो चलिए आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं, पुराने टाइम में वो हार्मफुल गैसेस उस वेल में ट्रैप हो गई, लेकिन उस हार्मफुल गैस को डिटेक्ट नहीं कोई कर पाया। और जो पर्संस हैं बेटे वो वेल के नीचे जब अपने किसी रूटीन वर्क के लिए, अपने पंप वगैरह को ठीक करने के लिए या एडजस्टमेंट करने के लिए वेल में उतरते हैं नीचे, तो वहां पर मीथेन गैस या कोई और गैस ऐसी होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, तो इमीडिएटली वो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि अंदर ऑक्सीजन है कि नहीं है, और एकदम से तो वो ऊपर आ नहीं पाएंगे। तो वेल्स में या माइंस में भी, जो कोल माइंस हैं स्पेशली, वहां पर हार्मफुल गैसेस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ये बीट्स का कंसेप्ट यूज किया जाता है। और दूसरा बेटा ये है कि आपने ट्यूनिंग फॉक, हो सकता है कि नहीं देखा हो, ट्यूनिंग फॉक जो है उसकी
अगर फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में भी हमें ये कंसेप्ट हेल्पफुल है। और आपने कभी देखा होगा कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन जब होता है, पहले वो जो म्यूजिशियंस हैं अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, फिर कोई उसको टाइट करता है, कोई लूज करते देखा होगा आपने कहीं के फंक्शन पे, वो बेटे उनकी ट्यूनिंग करते हैं। मतलब कि अगर सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप इकट्ठे प्ले करो और वहां पर अगर बेटे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो बीट्स बनेगी, ऑडियंस पे वो अच्छा इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है जी, तो फिर ये कल डिटेल में हम करते हैं बेटा। सो ये 5-10 मिनट का काम है, कल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट। आज एक ही पीरियड है हमारा।